दोस्तों, ये जो आप हीरो एक्सट्रीम बाइक देख पा रहे हैं ना भाई, इसकी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इसमें हमने आपको समझा रखा है भाई, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको क्या क्या चेंज कराना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। भाई इसका जो रह गया था ना वर्क, ये है हैंडल टी प्रॉब्लम। इसका जो हैंडल टी का कफ होता है वो टूट गया था और इसके अंदर फंस गया भाई इसका टुकड़ा, और इसका जो हैंडल टी है बाहर को नहीं आ रहा है। हमने बहुत ही कोशिश कर लिया है, तभी शंकी भाई आ गए हैं इसको निकालने के लिए। इसको जो इसमें टूट के गिरा हुआ भाई ना, इसको पहले निकाला जाएगा, इसके बाद ये बाहर को आएगा। हैंडल टी बहुत ही ज़बरदस्त फंसा हुआ है, इसके अंदर निकल नहीं रहा है। हमने बहुत कोशिश कर ली हुई है अभी तक। तो भैया निकाल रहे हैं हीरो एक्सट्रीम बाइक का जो हैंडल टी है भाई, ये जो केस है पहली बार हमने देखा इस तरीके से हुआ हैंडल टी। ठीक है, अब देखते हैं किस कौन सा ऑप्शन है इसको निकालने के लिए भाई। पहले तो इसको हम टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रहे हैं रॉड लेकर। ठीक है, वेल्डिंग रॉड है, कोशिश करते हैं निकल जाता है तो बड़े आसानी से आएगा ये जो हैंडल टी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, निकालते निकालते इसका देखेंगे भाई, जहाँ पे हैंडल टी की चूड़ी होती है ना बिल्कुल ख़त्म है। ये तो हमने चेंज करना था, इस करके इतनी लापरवाही से इस पर चोट लगाया गया है थोड़े का। ठीक है, चूड़ी ख़त्म है, हैंडल टी ढूंढ लेगा। अगर आप भाई एक मैकेनिक हैं तो ऐसे कमेंट करके बताना भाई, ऐसे आपके पास भी वर्क आया था कि भाई हैंडल टी इसका जाम हो गया, निकला नहीं, आपने बहुत कोशिश करी निकालने के लिए। ठीक है, कमेंट जरूर करना भाई, अगर आप मैकेनिक भाई मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं तो पहली बार देखा ऐसा केस, ऐसे केस आते हैं बट ये जो होता है ना भाई, यहाँ से जाम हो जाता है, नट खुलता नहीं है। ऐसे केस तो आते हैं बट हैंडल टी नट खोल लेने के बाद भी अगर ना खुले ना, ये तो पहला केस है। मैं तो बहुत कोशिश कर लिया यार भाई जी, निकला नहीं बाहर को। ओके भाई, पूरी कोशिश की जा रही है भाई हैंडल टी को बाहर निकालने के लिए भाई, पूरा चैलेंजिंग वर्क है। ठीक है, सफिशल भाई से आपको बुलाना पड़ा, मैं कहा भाई आप कमानी का काम करते हैं इसको भी निकालें हथौड़े से। तो भैया ने कोशिश तो कर रहे हैं बट अभी तक बाहर नहीं आ रहा भाई। भाई साहब ओ भाई, अभी जाम हो गया क्या भाई, बाहर तो आ गया यार, काफी बाहर आ गया भैया, भाई साहब काफी बाहर आ गया। ये देख रहे भाई जो कौन सेट का टुकड़ा फंसा हुआ ना, देख रहे आप यहाँ पे स्क्रेचेस मार मार के निकल रहा है, और भाई कितना कट गया। अरे भैया भाई साहब मारिए मारिए, भाई बड़ी मुश्किल से आ गया है बाहर, संकी भाई ने निकाल दिया यार, थैंक्स ब्रो, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हैंडल टी निकालने के लिए। भाई हैंडल टी का हाल देखें, क्या हाल हो गया भाई, थैंक्स ब्रो। देखा भाई, संकी भाई थैंक यू आपका, थैंक यू बोल रहा, कहते हैं अरे भाई थैंक यू क्या लोड है, हालत ढिली कर दी भाई साहब ने निकाल निकाल के। भाई ये कौन सा निकालो सुरेंद्र तुम, अब इसका जो आप कौन सेट का देख पा रहे हैं ना कॉलर, यहाँ पे कौन सेट बैठेगा भाई, इसको राउंड किया जाएगा। बहुत ही मुश्किल से निकाला गया भाई, मैं सोचा था कटिंग करूँगा बट शंकी भाई ने निकाल दिया इसको। भाई साहब बड़ी ही मुश्किल से इसका हमने हैंडल टी आपने देखा निकाल दिया। ठीक है भाई, और कंडीशन देखें आप, क्या कंडीशन हो गया है हैंडल टी का। ठीक है, इस हैंडल टी को हम चेंज करेंगे भाई। इस वीडियो में हमने इसकी जो वीडियो है ना भाई अपलोड कर रखा है, अभी फ़िलहाल हमने इसके बारे में बताया भाई, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, कटिंग करना पड़ेगा या ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती इसको हमने निकाला भाई। ठीक है,
अब इसको चेंज करेंगे हम, यहाँ पे कौन सेट डलेगा, इसको राउंड किया जाएगा तो इसका आप देखेंगे कंडीशन, जहाँ पे कौन सेट बैठेगा भाई ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। मेन इंपॉर्टेंट था हमारा हैंडल टी निकलना बाहर को, और हमने इस हैंडल टी को बाहर निकाल दिया है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।